ब्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी बनाऊंगी। तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसे हिट कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन पहले आपके पास आ जाए। सामग्री इस प्रकार है। लहसुन 4 गांठ ले लिए हैं, इसके छिलके उतार लिए हैं। 4-5 लहसुन की गांठ है और एक काला जीरा है जिसको मंगरैल भी बोलते हैं। लाल मिर्च है, 17-18 लाल मिर्च है, डंडी तोड़ के रख लिए हैं इसके इधर से। और एक कश्मीरी लाल मिर्च है, सरसों दाना है, हींग है, जीरा, तेल, नमक, आमचूर पाउडर, कुछ हरी मिर्ची चीर के रख लिए हैं। 4-5 हरी मिर्ची चीर लेंगे। अब एक जार लेंगे, उसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन और लाल मिर्च को का पेस्ट बनाना है। कुछ लहसुन हम रख लेंगे, इसमें लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेंगे। इसमें नमक डालेंगे। अभी थोड़ा सा और हम पीस लेते हैं। इसमें जीरा डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा है, साबुत जीरा है, और हींग 2-3 चुटकी इसमें डालकर हम एक पेस्ट बना लेंगे। इसको फिर से हम पीसेंगे। इसको पेस्ट बन गया है, एक कटोरी पेस्ट बना है। एक कढ़ाई लेंगे और तेल गरम कर लिए। इसमें सरसों दाना डालेंगे। सरसों दाना जब फूट जाए तो इसमें जो बचे हुए हींग था उसको डाल देंगे, और जो लहसुन जो बचे हुए थे मैंने रख लिए थे उसे डालकर थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1 मिनट, ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए लहसुन का। सर से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें पेस्ट डाल देंगे। मिर्ची हम अपना स्वाद के अनुसार लेंगे, ज़्यादा तीखा है तो कम लेंगे, पसंद नहीं है तो। लाल मिर्ची के जगह हम हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छा तरह से भूनेंगे, इसका मॉइस्चर पूरा निकल जाए तब तक हम पेस्ट को भूनेंगे। और ये चटनी किसी भी चीज़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे। 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर है, इसको लगातार चलाते रहना है मीडियम आंच पे। और कश्मीरी मिर्च है, ऑप्शनल है, थोड़ा कलर ऐड करेगा इसलिए इसको डाल दिए। पूरा पानी इसका सूख जाएगा, पूरा भूनते भूनते इसका आंच को थोड़ा कभी ज़्यादा करेंगे कभी कम करके ऐसे करके भूनना है। इसमें नमक डाल दिए, हम पहले भी नमक थोड़ा डाल दिए थे, अभी इसमें डाल देंगे। और ये पूरा अच्छा से हो गया है, भूनते भूनते इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। इस तरह से भून गया है ये। अब हम गैस ऑफ कर लेते हैं। अब छौंक लगाएंगे हम इसका। तेल गरम कर लिए हैं एक बर्तन में और इसमें मंगरेल को डाल दिए हैं। 1/2 चम्मच मंगरेल था। जब ये फूट जाए तो इसमें चीरी हुई हरी मिर्च है, 3-4 हरी मिर्च है, चीर कर डालेंगे और इस पर फैला देंगे। किसी भी चीज़ के साथ अच्छी लगती है पूरी पराठा, और इसे हम फ्रिज में रखकर पूरे दिन तक खा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।